हेलो स्टूडेंट्स, हम आज के एक नई वीडियो के साथ और यहाँ पे आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे आपका सेकंड सेमेस्टर चैप्टर आ चुका है और यहाँ पे आपके प्रोटीन का रसायन मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको करा दिया, कार्बोहाइड्रेट का रसायन। वहाँ पे आप भी अब जाके देख सकते हैं, मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आता हूँ। मैंने आपको थ्योरेटिकल सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, प्लेलिस्ट आपको चैनल पर जाके मिल जाएगी, वहाँ से आप देख पाएंगे। और यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप देखने के क्वेश्चन मिलेंगे, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपने याद कर लीजिए, आपके एग्जाम रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं प्रश्नों को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, प्रकृति से प्राप्त प्रोटीन का जल अपघटन करने से प्राप्त होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन आएगा पहला, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा एमिनो अम्ल। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है, जो आपको दिए हैं ऊन, बाल, नाखून व DNA, इनमें से कौन सा प्रोटीन नहीं है ये पूछा है। तो याद रखना DNA है वो प्रोटीन नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पूछा है, निम्नलिखित में कौन सी प्रोटीन शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था और इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन रक्त होता है जो। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका BC हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे जो प्रोटीन शब्द मोल्डर ने किस सन में प्रसिद्ध किया था, जो मोल्डर ने दिया था प्रोटीन शब्द, तो वो किस सन में दिया था। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका सन पूछा है किस डेट में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 1839, ऑप्शन नंबर AC हो जाएगा, डेट पूछी थी। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे, जीवन के लिए प्रोटीन की आवश्यकता किस स्तर की मानी जाती है। तो जीवन के लिए प्रोटीन की आवश्यकता किस स्तर की मानी जाती है ये पूछा है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा प्रथम स्तर की, ऑप्शन नंबर AC हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। और यहाँ पूछा, मानव में लगभग कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है। तो याद रखना 15%, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका BC हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। और यहाँ पूछा है, प्रोटीन की कौन सी संरचना अत्यधिक स्थायी होती है। तो तृतीयक, ऑप्शन नंबर यहाँ CC हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पिरामिड चारा कौन सा है। तो पिरामिड यूरेसिल भी है, थायमिन भी है, साइटोसिन भी, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे D सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9, सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है। तो सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर CC हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, शरीर की वृद्धि व क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और ऊतकों का सुधार करने का कार्य कौन करते हैं। तो प्रोटीन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे CC हो जाएगा। आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, एल्बुमिन सीरम, एल्युमिनियम रक्त जिसे रक्त कहते हैं, और ग्लूटिन, ऑरिजिनिन चावल, प्रोटीन, तीसरा हमारा प्रोटामीन, क्लूमीन, हेरिंग, हिस्टोन, हर्डिन, इन ऑप्शन नंबर हमारा ये D है, वो गलत है। ठीक, ये सुमेलित नहीं है। ठीक, याद रखना। क्वेश्चन नंबर जाते हैं 12 पर। यहाँ पूछे, निम्नलिखित में साधारण प्रोटीन कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे साधारण प्रोटीन कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे ग्लाइको प्रोटीन नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे D से हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन बालों व नाखून में पाया जाता है। तो बालों व नाखून में पाया जाने वाला स्कील रो प्रोटीन, ऑप्शन नंबर AC हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्नलिखित में संयुग्मित प्रोटीन कौन सा है। तो निम्नलिखित में संयुग्मित प्रोटीन कौन सा है, तो ये पूछा है संयुग्मित। ठीक, तो ये क्रोमो प्रोटीन, फास्फो प्रोटीन, लियो प्रोटीन, ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे DC हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन प्राकृतिक प्रोटीन के आंशिक जल विक्षेपण से प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन है, इसका हमारा आंसर हो जाएगा व्युत्पन्न प्रोटीन, ऑप्शन नंबर CC हो जाएगा। और आगे आ जाते क्वेश्चन नंबर 16 पर। यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन गेहूँ में पाया जाता है। तो ग्लूटेन और ग्लियोडिन, ये दोनों पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर AB सही हो जाएगा, D ऑप्शन सही हो जाएगा, AB दोनों सही हैं। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में व्युत्पन्न प्रोटीन का सही क्रम है। तो यहाँ पे पूछा है व्युत्पन्न प्रोटीन का सही क्रम पूछा है, तो क्या है, तो ये देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 का आंसर क्या हो रहेगा, यहाँ पे प्रोटीन बिल्कुल सही, मेटा प्रोटीन, प्रोटीओजम, पैप्टेनस,
पॉलीपेप्टाइड्स अल्फा एमिनो अम्ल। तो ये पहला ही स्ट्रक्चर हमारा जो ये लिखा है क्रम से ये एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 18 पर। यहाँ पूछा, निम्नलिखित में कौन सी प्रोटीन शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो अभी इस प्रकार क्वेश्चन आया था, तो हो जाएगा इसका आंसर क्या, हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया, यहाँ पे पूछा है इंसुलिन है एक, तो यहाँ पे पूछा है इंसुलिन क्या है, यही तो क्वेश्चन है, इंसुलिन है एक, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटीन। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक प्रोटीन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रक्त के अवयव हैं, तो रक्त के अवयव कौन से हैं, ये भी है, ये भी है और ये है, तीनों भी हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने इंसुलिन की प्राथमिक संरचना का निर्धारण किया था। तो सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने इंसुलिन की प्राथमिक संरचना का निर्धारण किया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा, सेंगर ने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो गया। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पूछा है प्रयोगों के आधार पर इंसुलिन में कितने अमीनो अम्ल होते हैं। तो प्रयोगों के आधार पर इंसुलिन में 51 एमिनो अम्ल होते हैं, कितने, 51 एमिनो अम्ल होते हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा हेल किस निम्न में किसका रूप है। तो अल्फा हेलिक्स निम्न में किसका रूप है, तो याद रखना यहाँ पे द्वितीयक संरचना का होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, अल्फा हेलिक्स के एक मोड़ में, अल्फा हेलिक्स के एक मोड़ में कितने एमिनो अम्ल होते हैं, तो ये ऐसा क्वेश्चन है, तो याद रखना 3.6, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की तृतीयक संरचना, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर हमारे 25 में, प्रोटीन की तृतीयक संरचना एच बंध के साथ कौन सा बंध पाया जाता है। तो आयनिक बंध, वंडरवाल, डाइसल्फाइड बंध, तो ये तीनों पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर डी ऑप्शन सही है। 26 का, प्रोटीन की संरचना के कितने स्तर हैं, तो प्रोटीन की संरचना के स्तर पूछे हैं, तो याद रखना, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर, और यहाँ पे पूछा है प्रोटीन निन हाइड्रीन अभिकर्मक के साथ कौन सा रंग देता है, तो बैंगनी रंग देता है, ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28, प्राकृतिक रेशम है, तो प्राकृतिक रेशम है कौन है, प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, और यहाँ पूछा है विकृतीकृत प्रोटीन के लिए कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन असत्य है, तो देख लेते हैं, विकृतीकृत प्रोटीन प्राय प्रकृति से प्राप्त प्रोटीन की तुलना में कम विलेय होता है, यह सम विद्युत बिंदु पर आसानी से अपेक्षित हो जाता है, विकृतीकरण पर अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, असत्य, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, और यहाँ पे पूछा है कि हीमोग्लोबिन का संभव बिंदु पीएच होता है, तो कितना होता है, ये पूछा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 6.79 से 6.83 तक। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, और यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में किसका सम विभव बिंदु 5.30 से 5.35 के बीच होता है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 31 था इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन, याद रखना। आगे जाते क्वेश्चन नंबर 32 पर, यहाँ पूछा है निम्नलिखित में किस विधि द्वारा प्रोटीन के अणु को अवक्षेपित किया जाता है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अल्कोहल द्वारा गर्म करके, लवण विलयन द्वारा, ये सभी के द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33, और यहाँ पे पूछा है अंडे में पाए जाने वाला सफ़ेद पदार्थ जिसमें बहुत अधिक प्रोटीन होती है किस विधि द्वारा अवक्षेपित की जाती है या अवक्षेपित होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना, गर्म करके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, प्रोटीन का पहचान में प्रयुक्त अभिकर्मक, प्रोटीन की पहचान किससे की जाती है, ऐसा आज क्वेश्चन आएगा, अब प्रोटीन की पहचान में प्रयुक्त कौन सा अभिकर्मक है, ये क्वेश्चन पूछा है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो जो कि दिया है सांद्र नाइट्रिक अम्ल।
ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। ठीक, याद रखना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि गर्म करने पर प्रोटीन का अनुत्क्रमणीय अभिक्षेपण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? विकृतीकरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस प्रोटीन का आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु है, किस प्रोटीन का आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, वह पीएच जिस पर प्रोटीन अणु पर कोई आवेश नहीं होता है, वह पीएच जिस पर कि विलयन में प्रोटीन अणु पर प्लस व ऋण आवेशों की संख्या समान होती। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ बी सी हो जाएगा, याद रखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो गया। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। यहाँ पे पूछा है कि टैरिक अम्ल का प्रयोग किसके उपचार में करते हैं, जो टैरिक अम्ल होता है उसका उपयोग किसके उपचार में करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 37 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखना, जले हुए घाव के उपचार में। क्या बोले? जले हुए घाव के उपचार में, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पूछा है मूत्र में एल्ब्यूमिन का परीक्षण किस विधि द्वारा करते हैं? तो ये विधि यहाँ पे पूछी है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेलर वले विधि। तो ऑप्शन हेलर वले परीक्षण या विधि, ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे पूछा है प्रोटीन जलने व सड़ने पर ऑक्सीकृत होकर बनाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना, ऑप्शन नंबर सॉरी बी नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं होगा, नाइट्रोजन एमीन होगा, ऑप्शन ये भी, ये तो सभी ऑप्शन यहाँ पे राइट हैं भाई। यहाँ पे दिया कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ये भी बनता है, नाइट्रोएमीन बनता है, तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। प्रोटीन जलने व सड़ने पर ऑक्सीकृत होकर बनाते हैं, जल तो बनता ही है, ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और नाइट्रोजन एमीन भी बनता है, यानी हमारा 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पे दिया है, प्रोटीन के जल विक्षेपण से सभी प्रकार के अमीनो अम्ल बनते हैं, ये देखो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर, और यहाँ पे पूछा है प्रोटीन सांद्र HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म किए जाने पर रंग उत्पन्न करते हैं, तो कौन सा रंग उत्पन्न करते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, पीला रंग, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। अगर चलते क्वेश्चन नंबर 42 पर, निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा प्रोटीन के रंग का परीक्षण किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाई यूरेट परीक्षण, मिलन परीक्षण, निन हार्डिन परीक्षण, तीनों सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर, यहाँ पूछा है प्रोटीन व सांद्र HNO3 पीला रंग निम्न परीक्षण कहलाता है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन दिए यहाँ पे देख लीजिए, पहला होता है जेंथ्रोप्रोटिक परीक्षण, लीबरमान परीक्षण, हेलर परीक्षण और मॉलेस परीक्षण। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, यहाँ पे जो हमारे सारे क्वेश्चन इधर छुप चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 43 का जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जैंथ्रोप्रोटिक परीक्षण। ठीक, यहाँ पे क्या है 43 का जैंथ्रोप्रोटिक परीक्षण। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 44, और यहाँ पूछा है जिन प्रोटीन में दो या दो से अधिक पेप्टाइड बंध होते हैं वे देते हैं, वे क्या बनाते हैं, किस प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं या क्या प्राप्त उनसे क्या प्राप्त हो जाता है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, वाई यूरेट परीक्षण। जिन प्रोटीन में दो या दो से अधिक पेप्टाइड बंद होते हैं वे देते हैं ब्यूटाइड परीक्षण। ठीक, ऑप्शन नंबर वाई यूरेट परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन निन हार्डेन परीक्षण देता है? तो यहाँ पे हमारे चार ऑप्शन है, अल्फा अमीनो अम्ल, प्रोटीन, डाई पेप्टाइड या ये सभी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि सभी देते हैं, ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। ठीक, याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 46, 1 ग्राम प्रोटीन से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम प्रोटीन से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? ये भी क्वेश्चन आपको फूड न्यूट्रिशन में पढ़ने को मिला होगा, जब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़ाए थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, ज़्यादा 4 किलो कैलोरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी हो जाएगा,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, प्लाज्मा का प्रयोग किया जाता है, तो प्लाज्मा का प्रयोग किस में किया जाता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, घाव बनने में। अगला क्वेश्चन लिजेटिन प्रोटीन यानी का इसका प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैप्सूल निर्माण में, फिल्म के निर्माण में, फोटोग्राफ प्लेट बनाने में, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, इन सभी में। हमारा अंतिम क्वेश्चन है आज का, यहाँ पर निम्नलिखित में किस प्रोटीन का प्रयोग प्लास्टिक बटन टोकरियों आदि बनाने में किया जाता है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैसीन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपकी ये क्वेश्चन आपके जो आदि लगातार प्रश्न आएंगे उससे तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इन्हीं में से फंस जाएंगे और जिनके एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको पढ़ के जाइए। और जो भी जिनके भी एग्ज़ाम सब्जेक्टिव टाइप हैं वो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज वीडियो विद PDF भी प्रोवाइड किया टेलीग्राम पर, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।